नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि IRCTC पे जो पेमेंट ऑप्शन पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेज आया है, फ़ोन भी आया है और बहुत सारे कमेंट्स भी आया है कि जब टिकट बुक करते हैं तो पेमेंट करते करते जो है कि टिकट भी खाली हो जाती है या पेमेंट हो जाती है बस टिकट बुक नहीं होती है, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें जो बुक भी हो जाए और टिकट भी मिले और पेमेंट भी सक्सेसफुल हो। तो उसी के बारे में थोड़ा सा मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना लॉगिन आईडी खोल लिया है, मेरे नाम से ही है और यहाँ पे जहाँ से जहाँ आपको जाना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये देखिए ये IRCTC वॉलेट माई प्रोफाइल, ये जो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको माई प्रोफाइल में जाना है। एक्चुअल में यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा ध्यान से आप देखिए कि पेमेंट ऑप्शन को सक्सेसफुल करने के लिए आपको माई प्रोफाइल में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है प्रीफर्ड बैंक लिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रीफर्ड बैंक लिस्ट, ठीक है। जब आप प्रीफर्ड बैंक लिस्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरा भी है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने दो एक्सिस बैंक डेबिट कार्ड विद पिन और एयरटेल मनी ये मैंने कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, यहाँ से आप डिलीट करके डिलीट भी कर सकते हैं। मैं चलो इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ सेकंड में डिलीट भी हो जाएगा, डिलीट सक्सेसफुल। तो आपको क्या करना है, यहाँ अवेलेबल बैंक जो यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ से आपको बैंक पहले सिलेक्ट करना है, जो भी बैंक आपका नेट बैंकिंग करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड विद पिन करना चाहते हैं तो उसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसे सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए पेमेंट किस तरह से जल्दी जल्दी होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर चलिए यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेबिट कार्ड विद पिन लेता हूँ जो सबसे जल्दी पेमेंट करता है डेबिट कार्ड विद पिन। चलो यहाँ पे स्टेट बैंक डेबिट कार्ड विद पिन हमने ले लिया और ऐड कर लिया। तो ये कैसे आपको जल्दी पेमेंट का ऑप्शन पे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये डेबिट कार्ड विद पिन एक्टिवेट हो गया। अब आप टिकट बुक करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी स्टेशन से जहाँ से आपको जहाँ पर जाना है वो आप सॉरी यहाँ पर ये मेरा टाइपिंग हो नहीं रहा ढंग से, DLS ये न्यू दिल्ली से मुंबई का मैंने डाला है और यहाँ पे मैं कोई भी डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कितने सारे ट्रेनें हैं जो जिसमें टिकट मिल सकता है, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो चलिए यहाँ पे गोल्डन टेम्पल इसमें थर्ड AC देखते हैं, तो यहाँ पर अवेलेबल है बहुत सारे, तो चलिए बुक करते हैं और आपका पेमेंट ऑप्शन पे जाके बताते हैं। तो ये निज़ामुद्दीन से चलती है, ये बता रहा है अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पे कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, कोई भी एज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको दो तीन लोग जो भी आप सीट बर्थ प्रेफरेंस आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। अब दो तीन जो भी नाम आप देना चाहते हैं आप देंगे पैसेंजर लिस्ट। तो आपको करना क्या होता है एक्चुअल में, आपको पेमेंट सही करने के लिए आप करना क्या होता है, जब यहाँ पे आप कैप्चा डाल के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया, TOUR ISTER, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट कर देते हैं, तो नेक्स्ट करने के बाद ये अगला ऑप्शन पे जाएगा जहाँ से पेमेंट हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑप्शन आएगा। अब आप देखिए, अब यहाँ से ये लेफ्ट साइड से आप पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं फिर आप जाते हैं, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रीफर्ड बैंक आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए प्रीफर्ड बैंक ये सबसे पहले ऑटोमेटिकली आ जाता है ऑप्शन। तो अगर आप पहले से इसको सिलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कीजिए और मेक पेमेंट कीजिए तो डायरेक्टली वहाँ पर चला जाएगा। अगर आप डेबिट कार्ड विथ पिन जैसे मान लो यहाँ पर अगर तीसरे नंबर पर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप आ रहे थे डेबिट कार्ड विद पिन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से कोई बैंक आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 6 बैंक है, तब आप जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रीफर्ड बैंक से क्या होता है, प्रीफर्ड बैंक से आपका पहले से ऐड होता है और आप डायरेक्टली वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई नेट बैंकिंग करता है, कोई रुपये कार्ड का इस्तेमाल करता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आता है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं पिछले एक वीडियो में बताया था कि ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि यूज़र कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 6 बैंक्स इन देयर प्रेफरेंस लिस्ट। अब 6 बैंक अलग अलग नेट बैंकिंग या आपको रुपए कार्ड या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
कोई भी बैंक का 6 ऐसे लिस्ट आप बना सकते हैं, ठीक है, एयरटेल मनी या पेटीएम भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये बनाने के लिए आपको माय प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, ठीक है। दूसरा आप देखिए, इफ़ यू हैव एनी वीज़ा मास्टर डेबिट कार्ड, अगर आपके पास कोई वीज़ा मास्टर डेबिट कार्ड है, ठीक है, और नॉट लिस्टेड बिलो, अगर लिस्ट में नहीं है, ठीक, ऐसे भी होता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बैंक थे, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, वो हट गया है, तो यूज़ योर डेबिट कार्ड थ्रू एनी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल अंडर मल्टीपल पेमेंट सर्विस, ठीक है, या तो मल्टीपल पेमेंट सर्विस ऑप्शन पर आप जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये तीसरा नंबर जो है मल्टीपल पेमेंट सर्विस, यहाँ पर लिखा है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, इंटरनेशनल कार्ड्स, ठीक है, यहाँ पे जाइए, और पेमेंट गेटवे डेबिट क्रेडिट डेबिट कार्ड कैटेगरी फॉर टिकट बुकिंग, ठीक है, ये भी नीचे है, पेमेंट गेटवे क्रेडिट डेबिट कार्ड कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया हुआ है, अगर आपके पास जो यहाँ पे बैंक लिस्ट नहीं है तो आप इस ऑप्शन पे, दो ऑप्शन पे जाइए तो आपको हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपको, आपके पास किसी भी बैंक का अगर वीज़ा मास्टर कार्ड है तो किसी भी बैंक का चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, ऑल रुपए डेबिट कार्ड, अगर आपके पास रुपए डेबिट कार्ड है, किसी भी बैंक का रुपए डेबिट कार्ड है, तो आपको कहाँ जाना है, कोटक पीजी रुपए कार्ड, कोटक पीजी ऑप्शन पे आपको जाना है और वहीं से आपको पेमेंट करना है। अगर आप अलग से जाएंगे तो आपका पेमेंट नहीं होगा, या अगर पेमेंट हो भी जाएगा तो आपका टिकट बुक नहीं होगा, पैसा भी कट जाएगा, बाद में पैसा वापस आ जाता है, ठीक है। तो आपको उस ऑप्शन पे जाके यहाँ के पेमेंट गेटवे क्रेडिट कार्ड सेक्शन में जाके आपको पेमेंट करना है, अगर आप रुपए कार्ड से करना चाहते हैं, आई रिपीट, अगर आप रुपए कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। चौथा देखिए, ऑल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स होल्डर्स कैन ऑल्सो पे थ्रू इंटरनेशनल कार्ड्स पावर बाय एटम, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है, इंटरनेशनल कार्ड्स पावर्ड बाय एटम ऑप्शन पे जाना है, तभी वहाँ से डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम फटाक से कहीं ना कहीं चले जाते हैं और वहाँ से कार्ड पेमेंट करने, जैसे मान लो यहाँ पे गए और यहाँ पे क्रेडिट डेबिट कार्ड गए और कोई भी पेमेंट करने ऑप्शन चले जाते हैं, तो हमारा फिर वो होता नहीं, ठीक है। अगर रुपये कार्ड इस्तेमाल करते हैं सपोज दैट, तो पेमेंट गेटवे ऑप्शन क्रेडिट कार्ड में जाइए और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन भी लिखे रुपे कार्ड पावर्ड बाय कोटक बैंक। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोटक बैंक का ही रुपे कार्ड होना चाहिए, आपके पास किसी भी बैंक का रुपे कार्ड अगर है तो आप इस ऑप्शन पे जाके उसे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, थीके? और किसी ऑप्शन पे जाएंगे तो पेमेंट नहीं होगा, ओके। तो इसी तरह से अलग अलग जैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, अगर डेबिट कार्ड विथ पिन मैंने बता रखा, अगर नेट बैंकिंग आप करना चाहते हैं तो तत्काल सेक्शन पर नेट बैंकिंग बहुत लेट करता है, ठीक है। तो मैं सबको प्रिफर करता हूँ कि डेबिट कार्ड विद पिन में आप पहले से ही आपके प्रिफर्ड जो बैंक लिस्ट है वहाँ पे आप बैंक लिस्ट कर लीजिए। आपके पास अगर इस 6 बैंक में से, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, फिलहाल तो 6 है लेकिन पहले बहुत था, पंजाब नेशनल बैंक भी था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, और भी 2-3 बैंक ऐसे 11-12 बैंक था, अभी तो हटा दिया है। तो अगर इस 6 बैंक में से आपके पास कोई भी एक डेबिट कार्ड है, कोई भी डेबिट कार्ड है, तो आप उससे डेबिट कार्ड विद पिन ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने बताया कि प्रीफर्ड बैंक लिस्ट आपको पहले से बना देना है, ठीक है, तो बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं आपको, आप जाइए माय प्रोफाइल सेक्शन, देखिए यहाँ पर जाइए माय प्रोफाइल सेक्शन, यहाँ पर प्रीफर्ड बैंक लिस्ट, देखिए यहाँ पर ये सेकेंड लास्ट, ये प्रीफर्ड बैंक लिस्ट है, यहाँ से आपके जो भी आपके पास बैंक का क्रेडिट सॉरी डेबिट कार्ड है उसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास वो ऑप्शन यहाँ पर बताएगा, ठीक है। यहाँ से कोई भी बैंक सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे पंजाब नेशनल बैंक अभी है नहीं, आप करना मत, इससे पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो 6 बैंक था उसी 6 बैंक से आपका अभी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लिया नेट बैंकिंग कोटक महिंद्रा करना चाहते हैं तो वहाँ पर पेमेंट ऑप्शन पर आपको ढूंढना पड़ता है, कहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ढूंढो। पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं तो पेटीएम डायरेक्ट यहाँ सिलेक्ट करके और इसको ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। पेमेंट ऑप्शन पर जाते ही, जैसे आप टिकट बुक करते हैं और पेमेंट ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पे मैंने डाला और यहाँ पे मैंने कोई भी एक डेट लेता हूँ और सबमिट। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन जानकारी भी तो चाहिए, तो यहाँ से मैं 3rd AC सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से अवेलेबल में ओके कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से देखिए उसी नाम से आ गया है, मैंने नाम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले से था। तो यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद कह रहा है टाइप मास्टर कार्ड इन द बॉक्स बिलो, ओके डाल दिया, नेक्स्ट।
अब यहाँ पर देखिए, अभी मैंने पेमेंट पेटीएम पेमेंट ऑप्शन को प्रीपेड बैग में सिलेक्ट किया था, तो ये भी सिलेक्ट हुआ नहीं है, सॉरी ये मोस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ पर ये दिखा नहीं रहा है। लेकिन स्टेट बैंक सिलेक्ट किया तो वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी ऑप्शन पर जो सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से प्रीपेड बैंक लिस्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपको डायरेक्टली आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करना है, आपने मेक पेमेंट कर लिया, और मेक पेमेंट के बाद यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन बिंग प्रोसेस प्लीज वेट। तो यहाँ से धीरे धीरे क्या करेगा कि यहाँ से आप कार्ड नंबर डालिए, डेट एक्सपायरी डेट डालिए, कार्ड होल्डर नेम डालिए, कार्ड होल्डर नेम हमेशा कैपिटल डालना है, एटीएम पिन डालिए और कैप्चा डालिए, प्रोसेस आपका पेमेंट डन। आपको कोई ओटीपी का कोई ऐसे कोई ओटीपी वगैरह या कुछ भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे तेज पेमेंट ऑप्शन होता है वो डेबिट कार्ड विथ पिन ऑप्शन होता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कोई भी जानकारी और जानना चाहते हैं जो आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।